शर्म आती है मुझे, तुम लोगों की बेहसी देखकर रोने को दिल करता है। आखिर कब तक हम जखीरा अंदोजी का, महंगाई का शिकार बनते रहेंगे? सच सुनता सबको ही है, लेकिन कोई भी सच के साथ नहीं आता। ठीक है, अब मैं भी अपने काम से काम रखूंगा। निजाम भाई, सब खैरियत तो है, क्या हुआ? ये हालत आपकी किसने बनाई है? अरे बस, फल लेते वक्त यार उससे रेट लिस्ट क्या मांग ली, ऐसा लगा जैसे फल वाले को मैंने गाली दे दी हो। यार रमजान का मौका है, हर चीज पे इजाफे कीमत ले रहे हैं, अब बंदा बोले भी ना। कल तक महल्ले में ठेला लगाने के लिए खुशामदें करते थे, आज हमें आगे दिखा रहे हैं। हमें छह छह बदमाशों ने मिलकर मारा है मुझे, कोई भी आदमी बचाने नहीं आया, सब बेहस हो गए, बेहस हो गए सब। देखो देखो, स्कूल के प्रिंसिपल के क्या हाल कर दिया है। निजाम भाई, कौन लोग थे वो? अरे वही अर्थी गुलजार और उसके पालतू फल वाले, शरीफों के महल्ले में बदमाशी मचा रखी है। निजाम भाई आप घर जाइए, हम समझा देंगे। खालिद, मुतवसत तबके का नौजवान जिसको माशरे की बेहद फिक्र है, जबी तो शायद वो निज़ामुद्दीन जैसे इंसानों को बुरी हालत में देखकर जज्बाती हो जाता है। इस टेढ़ी दुनिया को सीधा करने का ख्वाब देख बैठा है वो, और शायद वो ये भी नहीं जानता कि इस उल्टी दुनिया को देखने के लिए सर के बल खड़ा होने की ज़रूरत पड़ती है, जो कि तालीम याफ्ता लोगों का शेवा नहीं। तेरा मूड क्यों ऑफ है यार? मत पूछ तो अच्छा है, साले खुद को समझते क्या है? शरीफ आदमी को हाथ उठा दे, अभी तक कुछ शरीफ टकराया नहीं ना इनको। अच्छे भले निजाम भाई को कूट दिया यार, कोई तरीका ही है। यकीनन निजाम भाई ने कोई पंचायत की होगी, बिला वजह क्यों मारेगा कोई किसी को। हाँ सही कह रहे थे, इजाफी रेट के बारे में ही पूछा था ना उन्होंने, उस पर इस तरीके से मारा उनको यार। खैर मारा तो बहुत है, और ये कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं है। मैं छोड़ूंगा नहीं साड़ती के बच्चे को। हमें इस आरती के बच्चे को सबक सिखाना पड़ेगा, वरना जिस तरह ये दंदनाता फिर रहा है ना, कल उसका शिकार या तो तू होगा या मैं होगा। तू बता अब करना क्या है? वो मैं तुझे बाद में बताऊंगा, बस मुझे तेरी हेल्प की जरूरत है यार। तू हुकुम कर, तेरे लिए जान भी हाजिर है। नेक कमाई से कुछ दे दे बाबा, कुछ दे दे, दे दे बाबा, अल्लाह के वास्ते दे दे। निकालो इसे बाहर, सुबह सुबह आ जाते हैं दिमाग खराब करने के लिए, अभी काम धंधा शुरू नहीं किया और इन्होंने आके बाहर ठेला जमा लिया। निकालो इसे, टक्के दे के निकालो बाहर। जी साहब, निकाल लें निकाल लें। गुलजार पेशे से तो आरती था, सुना है वो पहले मंडी में मामूली मैनेजर हुआ करता था, उसे सड़क से उठाकर इस लाइन में लाने वाला कालू खान ही था, लेकिन अपने उस्ताद कालू खान की मौत के बाद गुलजार ने उसके कारोबार पर कब्जा जमा कर उसके घर वालों से आंखें फेर ली, और अब ज़खीरा अंदोजी और मार्केट में अशिया की मसनूई किल्लत पैदा करके रातों रात अमीर बन गया है। पैसा कमाने की हवस है, यही वजह है कि उसने मुख्तलिफ बाज़ारों में अपने आदमियों के ज़रिए फल के ठेले लगा रखे हैं, जो माहे रमज़ान के अलावा सारा साल मनमानी कीमतें वसूल करके अवाम को लूटने में मसरूफ़ है। हाँ भाई रहमत, मार्केट की क्या पोजीशन है? भाई साहब पोजीशन तो डीली है, आप कुछ करें ना। अच्छा एक काम करो, आलू प्याज टमाटर तरबूज और खजूरें सब चीज़ें मार्केट से शार्ट कर दो। भाई जी रमज़ान में ये तमाम एशिया, ये तो सीज़न है। या तो तुम कारोबार कर लो या फिर हमदर्दी कर लो। मैंने यहाँ पर कोई फ्लाई मरकज खोल रखा है? मैंने जितना कहा है उतना ही करो, और जाकर फौरन मार्केट से चीज़ें शार्ट करो। देख ले भाई। अच्छा अब तू मुझे कारोबार सिखाएगा, चल जितने कहा है उतने जाके कर, चल उठ। बड़े सियाने बन रहे हो, अब हर कोई मुझे कारोबार सिखाएगा। तुम लोग यहां बैठे हो, हमारा अब्बा वहां आवाजें लगा रहा है। अबे तू फिर बगैर बताए घर से निकला, फिर क्या सोचा तुमने? हम आरती को अगवा करेंगे। क्या? अरे यार किडनैप? हाँ, क्योंकि इस तरह ये आरती ठीक नहीं हो सकता, और पुलिस भी ऐसे लोगों की रिपोर्ट नहीं लिखती है। ये बात तो एकदम ठीक कही तुमने, यहाँ हर चीज़ पे पैसा चलता है, अगलों का बस चले तो पैसा लेके मुर्दा भी जिंदा करता है। अबे यार इस तरह गुलजार को सबक सिखाना ठीक रहेगा क्या? हाँ
हमने कौन सा उसको सारी जिंदगी अगवा करके रखना है? सिर्फ 10-15 दिनों की बात है। वाह खालिद, क्या प्लान लाया तू? पहली बार मतलब का काम मिला है। लेकिन अगर हम पकड़े गए तो? कुछ नहीं होता, यहाँ इतने बड़े बड़े काम हो जाते हैं कोई पकड़ा नहीं जाता। और हम तो ऐसे भी आरती को सबक सिखाने निकले, हमें क्या होगा? तू हवा खा हवा, इतना ध्यान पे जोर नहीं दे। यहाँ हम बैठे हैं ना, सब सेट हो जाएगा। दोस्तों, प्लान के मुताबिक ये वो जगह है जहाँ हम गुलजार को रखेंगे, उसके बाद यही हमारी बैठक है। पुरसुकून 24 और ओपन एयर, क्या ख्याल है तुम्हारा? अच्छा, गुलजार को हम यहाँ लाएंगे? नहीं, तू बोल तो 5-स्टार होटल का कमरा बुक करवा लूँ। और हाँ, आज से गुलजार पे तुम दोनों नज़र रखोगे, कहाँ जाता है, किससे मिलता है, पल पल की रिपोर्ट रखनी है, समझे? लेकिन अगर उसने हमें पहचान लिया तो? उसकी फिक्र तुम लोग मत करो, हम लोग अपने चेहरों पे डांटे बांध के रखेंगे। यार, इससे तो हम पक्के क्रिमिनल लगेंगे। हमारी नीयत कौन सी उसको अगवा करने की है? हम तो सबक सिखाना चाहते हैं उसे। राशिद, जो कि इंसानी नफ्सियात से खेलना खूब जानता था, उसने चिकनी चपड़ी बातों में उलझा कर अपने दोस्तों को सब्ज बाग दिखा कर गुड्डू और काशिफ को तो अपनी तरफ कर लिया, लेकिन खालिद को वो रजामंद नहीं कर सका। सारी बातें यहीं कर लें या कुछ पेट पूजा के बारे में भी सोचना है? चलें, चलो यार आओ। अरे क्या कर रहे हो? देखे शहजादो, कहीं अपने आप को चोट वोट नहीं लगवा लेना। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। क्या हो रहा है? आज तो मैं बहुत थक गया हूँ। अच्छा, आप ऐसा करें, आप फ्रेश हो जाएं, मैं आपके लिए खाना निकाल दूँ। ठीक है। बस बहुत। वो गुलजार, आज के यू मामा आए थे, वो उनकी बेटी की शादी है तो वो कुछ पैसे मांग रहे थे। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या हमने सबका ठेका उठाए हुए? जिसको भी देखो मुंह उठा के यहाँ चला आते हैं। मेरे यहाँ क्या पैसों के दरख्त लगे हुए? इसमें गुस्सा करने वाली कौन सी बात है? आप अपने रिश्तेदारों को भी तो इतने काम आते रहते हैं, अगर मेरे सगे मामू के काम आ जाएंगे तो इसमें क्या अर्ज है? बेगम, मेरा दिमाग मत खराब करो, जाओ जाकर टीवी देखो। अख्तर, क्या तोड़ा है तुमने? सही, गुलदान टूट गया। अंधे हो तुम? क्या हाथों में दम नहीं है तुम्हारे? अगर काम नहीं कर सकते हो तो घर बैठ जाओ जाकर। सही, माफ कर दें, आप चाहें तो मेरी तनख्वाह से काट दें। तनख्वाह? अगर सारी उम्र भी नौकरी करते रहोगे ना तो मेरा नुकसान पूरा नहीं कर सकते। जाओ, दफा हो जाओ यहां से, जाओ। साला बहुत घुमाता है यार। सारा दिन गुलजार के साथ बाहर घूमते रहे, सुबह 7 बजे घर से निकला, फिर जॉगिंग की, फिर वापस घर आया, नाश्ता किया, नाश्ता करके फिर मंडी निकलता है, फिर उससे 1 किलोमीटर दूर अपने गोदाम में जाता है, फिर कभी यहाँ कभी वहाँ, बस। अच्छा, उसने तो एक माशूका भी रखी हुई है, और उसने कल क्लिफ्टन से शॉपिंग भी कराई है। वो मसला हमारा नहीं है, हमें सिर्फ आरती से वास्ता है। अरे बच्चे हैं, अगर लड़की देख ली तो क्या हो गया? अरे अरे भाई, शाम को वो स्विमिंग पूल भी जाता है और रात को अपनी बीवी को भी अक्सर लेकर निकलता है। हाँ, कल तो उसकी गाड़ी के आगे हम आ गए, उसने हमें शहजादा भी बोला।
यार बात करने तो अच्छा इंसान मालूम होता है। तुम लोगों को अच्छे इंसान की पहचान कब से हो गई? यार ये लो गुलजार का नंबर। अरे वाह शहजादे, तूने तो दिल खुश कर दिया, अभी मिलाता हूँ। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम, आप कौन? कैसे हैं सर आप? शुक्र है आपसे बात हो गई। भाई मैंने आपको पहचाना नहीं, आप कौन बात कर रहे हैं? सुना है सर आपको गोदाम की तलाश है। मैं चलता फिरता स्टेट एजेंट हूँ। एक गोदाम आया था, मालिक जो है फौरी तौर पे बाहर जा रहा है, सोचा आपसे रब्ता कर लूँ। अरे आपको मेरा नंबर किसने दिया? सर वो इमरान भाई है ना, उन्होंने बताया था। इमरान? कौन इमरान भाई? मैं किसी इमरान को नहीं जानता। इमरान भाई वो स्टेट एजेंट। ओ अच्छा अच्छा अच्छा। सर आप भी हमारे भाइयों की तरह हैं, अगर हमारे जरिए आपको कोई अच्छी चीज़ मिल गई तो दो चार पैसे हम भी बना लेंगे। अरे भाई क्यों शर्मिंदा कर रहे हो मुझे? ठीक है सर, मैं पार्टी से बात करके आपकी डायरेक्ट मीटिंग करवाता हूँ। अच्छा आप ऐसा करो कि मीटिंग जो है ना वो हफ्ते की शाम को रखना। पहली मरतबा आरती से फ़ोन पर बात करके राशिद खुद को 30 मार खान तसव्वुर कर रहा था। वो इस गलत फहमी में मुब्तला था कि शायद आरती उसके जाल में फंस गया, लेकिन ऐसा नहीं था बल्कि जुर्म की दलदल में उसके पैर धंसना शुरू हुए थे। खालिद अगवा करने का तो उसका गुलजार का करना क्या है? 10-15 दिन तक कैद में रखेंगे ताकि एसीओ नरम बिस्तर से दूर रहकर उसकी अकल ठिकाने आ जाए, इसे भी पता चले कि गरीब किस तरह रहता है। साला फिरौन बना फिरता है। आज़ाद होकर जब गुलजार नोटों की खुशबू सूंघेगा तो सब कुछ भूल जाएगा। तो ठीक है, प्लान डन है, अनकरीब इस पर कार्रवाई डालते हैं। काशिफ और गुड्डू तो खालिद की बात समझ चुके थे, लेकिन राशिद के जहन में कुछ और चल रहा था। खालिद को नाश्ते के बहाने भेजकर राशिद ने गुड्डू और काशिफ को रजामंद करके जल्द से जल्द प्लान पर अमल दरामद का फैसला कर लिया। मेरी बात गौर से सुनो, गुलजार अभी अभी यहाँ से निकला है, कोई गलती मत करना, बिल्कुल ध्यान से काम करना। फिक्र मत कर तू, मुर्गा खुद जाल में फंसने आ रहा है, अभी करते हैं इसको हलाल। कौन और तुम लोग यार? किडनैप किया है तुझे, नौटंकी नहीं हो रही है इधर, समझा? चल अब गाड़ी चला। जैसा कहते वैसा कर। गोली चलाते हुए 2 मिनट नहीं लगाता मैं, चुपचाप गाड़ी चला, चल। तुम लोग आखिर मुझसे चाहते क्या हो? कर कर बैठ, समझा? तो मुस्कुरा दे बॉय, काम हो गया है। आ खालिद, इसे नाश्ता देना है क्या? नहीं, 2-3 दिन तक भूखा रखो इसे, इसकी अकड़ तो निकल जाए सारी। अच्छा तुम लोग रुको, मैं जरा आया।
हेलो हेलो, गुलजार की बीवी बात कर रही हो? जी वो तो घर पर नहीं है, आप कौन? मैं जो बोल रहा हूँ उसे गौर से सुनो, गुलजार इस वक्त मेरे कब्जे में, और तुमने जरा सी भी होशियारी दिखाई जब पुलिस को इत्तला देने की कोशिश की तो मैं उसको मारने में जरा सी भी देर नहीं लगाऊंगा। मगर आप हैं कौन, आप मुझसे चाहते क्या हैं? वो सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, थोड़ा सब्र करो और मेरी दूसरी कॉल का वेट करो। और हाँ, अगर तुमने पुलिस को इत्तला करने की कोशिश की तो तुम याद रखना। नहीं, मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगी, प्लीज प्लीज आप उन्हें कुछ मत कहना। खालिद कुछ ख्याल कर यार, दो दिन से तूने गुलजार को पानी पे जिंदा रखा हुआ है, मर मर आ गया ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। नहीं, ये इतनी आसानी से नहीं मरेगा। तो क्या हमने ये सब कुछ करने के लिए इसको यहाँ लाए थे? हमें सिर्फ इसे एहसास दिलाना है, बस कुछ दिनों की बात है ये। तुझे क्या लगता है इन सब कामों से इसकी जात पे कोई फर्क पड़ेगा? आजाद होने दे इसको यहाँ से, इससे कहीं ज्यादा मस्ती करता हुआ नजर आ रहा होगा तुम लोगों को। एक काम क्यों नहीं करते हम, इसके घर से तावान लेते हैं। अमीर पार्टी है, 20-25 पेटी तो ऐसी निकल आएगी। पागल हो गए हो तुम लोग, दिमाग ठीक है तुम दोनों का? हम हराम नहीं खाएंगे। ओके, अबे यार ये कौन सी सच्ची कमाई खा रहा है, थोड़ा बहुत पैसे आएगा तो आपस में बांट लेंगे हम लोग, और जब पैसा खुद चलकर हमारे पास आ रहा है तो हम इसे क्यों ठुकराएं? हम आपस में थोड़े थोड़े बांट लेंगे, और जब हमें तावान नहीं लेना तो ये सब काम मेरे पल्ले नहीं पड़ता। यार तुम लोग समझ क्यों नहीं रहे हो, मैंने तुझे गुड्डू और काशिप को अपने साथ इसलिए नहीं मिलाया था, हमें तो सिर्फ इसको एहसास दिला के छोड़ देना है। यार यार तो हमने इतने पापड़ बेले, हमें भी तो कोई फायदा होना चाहिए। राशिद अब तू प्लान से हट रहा है। अच्छा तू मेरी बात सुन, तू बात सुन मेरी, तरह सुन मेरी बात, सही है? देख खालिद तू कुछ सोच, हम कोई सोशल वर्कर थोड़ी है, अपने और अपने घर वालों के बारे में भी तो सोचना है हमें। इतनी पढ़ाई की तूने, क्या मिला तुझे? ना नौकरी ना पैसा, थोड़ा पैसा आएगा सारे काम सीधे हो जाएंगे, और हम कोई पेशावर लोग थोड़ी हैं। तो जब पैसा आएगा तो हम सुकून की जिंदगी गुजारेंगे, मिलकर कोई काम करेंगे। यार देख राशिद ऐसी बातें मत कर। तो कैसी बातें करूं, इसका मतलब है तूने मुझे इस्तेमाल किया, इतनी ख्वारी जो हमने काटी इसका क्या सिला मिला हमें, बाबा जी का टुल्लू? तेरा ऐसे कामों में दिमाग चलता है, इसलिए मैंने तुझे अपने साथ इस प्लान में शामिल किया था। तू कुछ भी समझ, अगर तुझे तेरा हिस्सा चाहिए तो तेरे घर पहुंच जाएगा। तू अभी इन बातों को नहीं समझेगा, उसे बाद में बात करूंगा। देख खालिद, दोस्ती अपनी जगह है, तू मेरे और मेरे पैसों के बीच में आया तो मैं तेरा कत्ल कर दूंगा। ठीक है, जो तुझे करना है कर लेना, और जो मुझे करना है मैं करूंगा। से पानी वानी पिला दे, कहीं मर मर आ गया तो मसला हो जाएगा। तू क्या सोच रहा शहजादे? बस यार हमें जगह तब्दील कर लेनी चाहिए। मतलब ये कि खालिद को हमारे सारे प्लान के बारे में पता चल चुका है, और अगर उसने पुलिस के आगे मुंह खोल दिया तो हम गए। वैसे भी उसका जमीर जागने में देर नहीं लगेगी। तो हमारा अगला कदम क्या होगा? काशिफ तू गाड़ी का इंतजाम कर। यार राशिद मुझे तो बहुत डर लग रहा है। क्यों डर लग रहा है तुझे? हाथी निकल गया दुम रह गई, तुझे डर लग रहा है? कल सुबह रकम मिलेगी, खेल खत्म। राशिद गाड़ी आ गई है।
यार राशिद, क्या हो गया बे? यार मैं उसे पानी पिलाया था, मेरा नकाब नीचे हो, उसने मुझे पहचान लिया। चल खैर है, कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, सब सेट हो जाएगा। यार और कितने दिन तक चलेगा ये ड्रामा? बस ये समझ ले फाइनल राउंड है, बस एंड हो गया सब, समझे? हेलो, कौन? वही जिसके कब्जे में तुम्हारा शोहर है। देखो मेरे शोहर को छोड़ दो प्लीज। छोड़ देंगे, इतनी जल्दी भी क्या है? उसके लिए तुम्हें 50 लाख रुपए का इंतजाम करना होगा। 50 लाख? नहीं नहीं, ये तो बहुत रकम है। तो क्या करूं, मार दूं तेरे शोहर को? नहीं नहीं, मेरा मतलब है इतनी बड़ी रकम है, मैं इतनी जल्दी कहाँ से अरेंज करूँगी? हाँ तो वक्त ले लो, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन। पैसा कब और कहाँ पहुँचाना है ये मैं तुम्हें अगली कॉल पे बताऊँगा। और हाँ, कान खोल के सुन लो, अगर पुलिस को इतला की। नहीं नहीं नहीं, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊँगी प्लीज़। तो मेरे शोहर को कुछ नहीं कहना, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊँगी प्लीज़। तुम दोनों को 10-10 हज़ार रुपये दे दिए, इसको रखो और शहर छोड़ के चले जाओ। ऐसा क्यों? अगर गुलजार के जरिए तुम लोगों के बारे में किसी को कुछ पता चल गया तो ये अच्छा नहीं है, और जब तक मामला भी ठंडा हो ही जाएगा। और यहाँ तुम सब संभाल लोगे? मेरी परवाह मत करो, खुद को सेफ करो, और टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना यहाँ, जाओ चिल मारो, ठीक है? गुड्डू और काशिफ रकम लेकर खुद को इस गेम से आज़ाद समझ रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं था। तावान की रकम अकेले हथियाने की हवस में राशिद ने खालिद के बाद काशिफ और गुड्डू को भी प्लान से अलग कर दिया। अस्सलाम वालेकुम राजा भाई, मैं बाद में बात करता हूँ। वालेकुम अस्सलाम खालिद, बैठो। शुक्रिया। कैसे आना हो राजा भाई? एक केस था, वो डिस्कस करना था आपसे। कहो। मेरे इल्म में तो ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन अगर ऐसा कुछ हुआ है तो ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी खालिद। अच्छा भाई, मैं जानता हूँ मैंने जो किया वो गलत है, लेकिन हमारा मकसद सिर्फ गुलजार को राह रास्त पर लाना था। लेकिन कानून के भी कुछ तकाजे होते हैं खालिद, और फिर मुझे तो हैरत यह है कि वाकये को 3 रोज गुजर चुके हैं और उसकी अब तक कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। राजा भाई, मैं आपको ठीक बता रहा हूँ, आप पुलिस वाले हैं, अपने तौर पर बेहतर पता करवा सकते हैं। ठीक है, मैं पता करवा लेता हूँ, तुम मुझसे रबते में रहना, और हाँ, मुझसे पूछे बगैर शहर मत छोड़ना। थैंक्स फॉर योर कोऑपरेशन। इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मेरी किसी भी तरह की मदद की ज़रूरत हो तो मैं हाजिर हूँ, कानून के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। गुड, चलता हूँ। गुलजार साहब का घर यही है? जी यही है। अंदर जाकर बताओ कि इंस्पेक्टर राजा है। ठीक है सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आइए बैठे। मेरा नाम इंस्पेक्टर राजा है। जी फरमाइए। दरअसल मैं गुलजार साहब का बहुत पुराना दोस्त हूँ, 5 साल बाद यहाँ पोस्टिंग हुई तो मैंने सोचा मिल लूँ। वो तो शहर से बाहर है। अच्छा, तो क्या मेरी उनसे फ़ोन पर बात हो सकती है? वो ये तो उनके सोने का टाइम है, तो आप ऐसे करें, आप मुझे अपना नंबर दे दें, मैं उनको दे दूँगी। आप ये कार्ड उन्हें दे दीजिएगा। आपको कोई चाय पानी, कुछ ठंडा? नहीं जी, मैं फिर बाद में आऊँगा। चलिए ठीक है।
सर। आओ नमन, बैठो। क्या रिपोर्ट है गुलजार की? सर, हमने अपने सर्कल में इत्तला दे दी है और इस फाइल में गुलजार के कारोबार और दीगर हवाले से तमाम तर मालूमात मौजूद हैं, और हमने इसके एक दोस्त से भी रब्ता किया है जो मुल्क से बाहर है। वो मैं देखता हूँ। मुझे गुलजार के घर आने वाली हर कॉल की रिकॉर्डिंग चाहिए, और हाँ, उसकी बीवी पर भी निगाह रखो। ओके सर। और जुम्मा खान के केस की भी तफ्तीश चल रही है। मुझे मालूम है, और उस केस में तुम्हें इंस्पेक्टर कामरान लीड करेंगे। ठीक है सर, जा सकते हैं। क्या घूर रहा है बे? मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है? देखा होगा, छोटी सी तो दुनिया है। देख, तू जो भी ये खेल खेल रहा है ना, इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। तू मुझे जानता नहीं है, मेरे ताल्लुकात हो तू पर तक। क्या कहा तूने? तेरे ताल्लुकात गए तेल लेने। जो उखाड़ सकते है ना उखाड़ लियो। अभी बंदूक मेरे हाथ में, यहां ट्रैगर दबा और खेल खलास, समझा? हेलो, पैसों का इंतजाम हो गया? पहले मेरे शोर से बात करो। और खबरदार, तुमने उससे कोई फालतू बात की तो बात कर। हेलो बेगम, बेगम मैं यहाँ हूँ। हाँ, हो गई तेरी शोर से बात। एक बार फिर बता रहा हूँ, अगर तूने पुलिस को इत्तला देने की कोशिश की। देखो, मैंने तुम्हारे मना करने पर मैंने किसी पुलिस वाले को कुछ नहीं कहा। हाँ, अलबत्ता एक पुलिस वाला आया था जो गुलजार का पूछ रहा था। कौन था वो? मुझे नहीं मालूम, मगर तुम घबराओ नहीं, मैंने उसको कुछ नहीं बताया है। काफ़ी समझदार लगती हो तुम। चलो अब रकम की बात पे आ जाए। देखो, मैं सच कह रही हूँ, मैं 50 लाख रुपया नहीं अरेंज कर सकती, ये इतनी बड़ी रकम है। अच्छा, तो कितने तुम्हारे पास? फिलहाल तो मैं 20 लाख रुपया कर सकती हूँ, मगर मुझसे वादा करो उन्हें कुछ नहीं कहना। ठीक है, पैसे कहाँ और कब लाने मैं तुम्हें अगले फोन पे बताऊँगा। चलना, मैं उल्ला हूं तेरे को। गुलजार, आज तेरा खेल खत्म। देख, तू बहुत पछताएगा। मेरी एक बात सुन, मैं तो बच जाऊंगा, लेकिन तेरा वो हशर करूंगा ना कि दुनिया देखेगी। बहुत आराम का माल इकट्ठा किया ना तूने, आज तेरा खेल खत्म। मैं तुझे आखिरी बार कह रहा हूं कि मुझे जाने दे। देख, तू जितना पैसा भी मांगेगा ना, मैं तुझे दे दूंगा, लेकिन तू जो भी गलत काम करेगा ना, उसका तू खुद ही जिम्मेदार हो। चल भाग, चल भाग, बोल रहा हूं भाग। हेलो, सीधा पैसों का बैग लेके हाईवे की तरफ आ जाओ। देखो, मुझे गाड़ी चलाने। बकवास बंद करो, मुझे सब पता है। और हाँ, तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा होगा, ध्यान से आना, गोली चलाते हुए मैं देर नहीं करूंगा। अच्छा अच्छा, बताओ आना किधर है। Thank you.
हेलो, पैसों का बैग नीचे फेंको। पहले मुझे ये बताओ मेरा शोर कहाँ है। थोड़ी देर में खुद ही घर पहुंच जाएगा, फेंको नीचे। खबरदार, जो कोई हरकत की उसको पुलिस के हवाले कर दो। एम्बुलेंस को फोन करो। हेलो सर, एक लाश मिली है। शनाख्त हुई? ठीक है, आप परेशान ना हो, आप घर जाइए। जैसे ही आपके शोहर बाजियाब होते हैं, हम उन्हें बाहिफाजत आपके घर पहुंचा देंगे। देख लिया अपने नादान दोस्त का हाल, पल भर में मिट्टी का ढेर बन गया। यही अंजाम होता है गलत रास्ता चुनने का और लालच का। नसीब से ज़्यादा और वक्त से पहले कभी किसी को कुछ नहीं मिला खाली। कुदरत का एक निज़ाम है जिसके तहत हम लोग अपनी ज़िंदगी बेहतरीन तरीके से गुजार सकते हैं, पर ऐसे बिगड़े हुए लोगों के लिए कानून भी है। अगर मुजरिम को कानून के शिकंजे में धकेलने में देर लगती है तो इसका मतलब यह हरगिज़ नहीं कि कानून बेबस। हम अपने तमाम तर कानूनी तकाजे पूरे कर रहे होते हैं कि कौन किस हद तक किस गलत काम में मुलविस है। ये तो अच्छा हुआ कि तुम क्राइम सीन में मुलविस नहीं पाए गए और ऐन मौके पर वारदात से अलग हो गए, वरना आज तुम्हारे वालदेन को भी यही वक्त देखना पड़ता। हर शहरी की जिम्मेदारी है कि कानून की मदद करे, ना कि कानून अपने हाथ में ले। और जब तक हम लोग अपनी अपनी जिम्मेदारियाँ कबूल नहीं करेंगे, तब तक हमारा माशरा बेहतरीन कैसे होगा।